ओके दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ग्राफ का पोर्शन जो आपको ग्राफ पेपर पे ही समझाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एक इक्वेशन बना हुआ रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन दिया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड क्वेश्चन दिया है इसमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट में आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 दिया है और एक टेबल भी निकाल के दिया है। तो हम वो टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट में हम यहाँ पर x लिख रहे हैं, यहाँ पर y और यहाँ पर आपको x कॉमा वाई मिलता है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिएगा, ये टेबल कुछ इस टाइप से रहेगा। देखिए, हमने इक्वेशन को लिख लिया है। अब इस क्वेश्चंस को लिखने के बाद हम इसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है या फिर आपको एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें देखिएगा, x की वैल्यू आपको 3 दिया है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पर 3 मिल रहा है। तो हमने 3 को पुट कर दिया x के जगह पे। फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस 3 है इक्वल्स टू के अगर राइट साइड में चला गया तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपको y इज इक्वल्स टू कितना मिला, 0। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है 5 है, लेकिन वो किसके जगह पे है, y के जगह पे। तो हमने y के जगह पे क्या लिखना है, 5। तो देखिएगा, हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 5। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 2। सो योर आंसर इज माइनस 2। सो यहाँ पर आएगा माइनस 2 कॉमा 5। समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जिस तरीके से 3,0 आया था और यहाँ पर हमने 0 निकाला था, यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके से जब यहाँ पर 3 दिया है तो और यहाँ पर 0 लिखा है, तो ये x कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है और ये y को। दैट्स वाई हम ये जो 0 है यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो चार्ट है वो कम्प्लीट हो गया। अभी हम सामने का टॉपिक देखते हैं। तो देखिएगा, इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि इसमें भी कुछ गिवन वैल्यू दिया हुआ है। दैट्स वाई ये बहुत इजी हो जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन दिया है उसमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है, इसमें आपको 0 दिया है, लेकिन किसके जगह पे, y के जगह पे। सो पुट y इज इक्वल्स टू 0 पुट आउट करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू आपको 4 मिलेगा। तो देखिएगा, जब यहाँ पर आपको 4 मिल रहा था, 4,0, आप इसमें 0,4 नहीं लिख सकते क्योंकि x की वैल्यू को फर्स्टली यानी पहले ही इंडिकेट करना है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर 4,0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, आपको माइनस 1 ऑलरेडी मिल रहा है, तो आप लिखिएगा पुट, क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट आउट करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस 1 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5।
सो योर आंसर इज -5, सो -1, -5 मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? अब इसके ऊपर जो डिपेंडेबल ग्राफ है, हम वो ग्राफ को फॉर्म करते हैं। तो चलो हम ग्राफ को फॉर्म करके देखते हैं किस तरीके से ग्राफ आएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे ग्राफ फॉर्म होगा। देखिए आपको जो गिवन इक्वेशंस दिए हैं, ओके, देखते हैं ये दो इक्वेशंस के ऊपर का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मिडल पे वाई एक्सिस को फॉर्म कर रहा हूँ, साथ ही साथ हमने वाई एक्सिस को फॉर्म कर लिया और मिडल में आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है। ये हमने हॉरिजॉन्टली क्या निकाल लिया, एक्स एक्सिस निकाल लिया। अब देखिएगा हम इस वैल्यू को किस तरीके से फुट आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7 तक लेता हूँ। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन अगेन -1, -2, -3, -4, -5 और -6। सिमिलरली हम इसमें y एक्सिस में भी ले लेते हैं -1, -2, -3, -4 और -5 एंड -6, ठीक है। अब देखिएगा हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको x एक्सिस 3 मिल रहा है और y एक्सिस 0 मिल रहा है। तो ये हो गया x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 0, माने आपको यहाँ पर ही एक पॉइंट मिलेगा। इसको मैंने डार्क शेडेड और राउंड कर दिया है। देन उसके बाद सेकेंड देखिएगा, -2, -5 मिल रहा है। तो -2 x एक्सिस में कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, और y एक्सिस पॉजिटिव है, दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए ये -2 की लाइन से मैं एक पॉइंट के लिए यहाँ पर शेडेड पोर्शन देखता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिल गया, ये हो गया फाइव, -2 और 5 का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा। सेकेंड रहेगा 0, 3, तो ये आपका x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 3 आपको यहाँ मिल गया, ओके। तो अब इस पॉइंट को मैं जोड़ लेता हूँ और समझ जाइएगा कि अगर ये दो इक्वेशंस कहीं इंटरसेक्ट होते हैं तो वही पॉइंट जहाँ पर वो पॉइंट मिलेंगे वही x और y एक्सिस की वैल्यूज़ को फॉर्म करेंगे। तो देखिएगा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये एक लाइन में आता है तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं, ओके। तो देखिएगा ये हमारा तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम दूसरा टेबल फॉर्म करेंगे, जो दूसरा टेबल आपको नज़र आ रहा होगा दिस वाला, x - y = 4 वाला। तो हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो फर्स्टली देखिएगा 4, 0 मिल रहा है, तो 4 ये रहा, 0 भी आपको इसी लाइन में मिलेगा, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन -1, 5, ये -1 और -5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ओके, ये मैंने शेडेड कर लिया। देन बाद में है 0, -4, ये 0 और ये आ गया -4। तो आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको जोड़ लीजिएगा, ये मैंने क्या किया, जोड़ लिया, देखिए देखिए हमने जोड़ लिया। अब इनको इक्वेशंस को नाम देना है आपको, जैसे कि आपने इसको देना है x + y = 3 और ये इक्वेशन रहेगा x - y = 4 मिलेगा, समझ में आ गया। और आपको जब x की वैल्यू, ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वही x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फॉर्म करते हैं। जैसे ये पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, देखिएगा यहाँ पर x एक्सिस होगा 3.3 और y एक्सिस मिलेगा आपको 0.5। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है, ओके। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। देखिए
ग्राफिकली मेथड में हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके टेबल्स के लिए जगह बना लेता हूँ, एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ। तो देखिए किस तरीके से टेबल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने फर्स्ट के लिए टेबल फॉर्म कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड के लिए फॉर्म कर लिया, मतलब साथ में ये दोनों एक साथ अरेंज करके रख रहे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्ज़ाम में आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, दैट्स वाई आप इसको आसानी से कर सकते हो। बस इतना है कि आपको एक बार ग्राफ समझ में आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने इसका एक फर्स्ट का टेबल बना लिया, इसमें सेकंड का बना लिया, ये इस तरीके से तीन टेबल फॉर्म कर लिया। ये हो गया एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। तो देखिएगा आपको जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर आपको एक्स दिया है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई दिया है। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो आपको कोई भी एक तो x को कंसिडर करना है या फिर y को, या फिर दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे वेरिएबल जो है x। तो देखिएगा x को अगर कंसिडर करते हैं तो कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने x को यहाँ पर ले लिया 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सो योर आंसर इज y इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर 0 लिया तब y एक्सिस आपको 6 मिलेगा, तो 0.6 हो गया। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमें तीन टेबल्स फॉर्म करने हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर और एक वैल्यू लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमने -1 ले लिया तो यहाँ पर -1 प्लस y इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। सो y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1, क्योंकि ये -1 ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा, सो 6 प्लस 1 हो जाएगा, सो योर आंसर इज 7। समझ में आ गया। जब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को लिया है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर जब आपने -1 लिया तब आपको यहाँ पर कितना मिला 7, सो योर आंसर इज -1.7 हो गया। एक वैल्यू और पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, सो पुट यहाँ पर x इज इक्वल्स टू मान के चलो हमने 1 ले लिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया। जब हमने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर आपको कितना मिला है 5, सो 1.5। समझ में आ गया। इस तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया टर्म। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं जो इजी है, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पर ये टेबल फॉर्म कर लिया। तो देखिएगा किस तरीके से बनेगा यहाँ पर इक्वेशंस। ये हो गया एक टेबल, दूसरा और ये तीसरा टेबल। ओके, छोटा बड़ा कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बना सकते हैं, बट उसमें एक्स एक्सिस को पहले लिखना है और वाई एक्सिस को बाद में लिखना है। तो ये हमने एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई। तो ध्यान में रखिएगा एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट, और x कॉमा वाई को कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, अब सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हम इसमें वैल्यू को पुट आउट करने वाले हैं, तो देखिएगा किस तरीके से पुट आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो वैल्यू इस तरीके से सेम ले सकते हो या फिर आप डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 0 माना, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो योर आंसर इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो वाई इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया एक आंसर 0 माइनस 4, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 0.-4 मिल गया। अब उसके बाद हम सेकंड वैल्यू को पुट आउट करेंगे, तो यहाँ पर x जैसे हमने ये लिए ये भी ले सकते हैं या फिर डिफरेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मानो -2 पुट कर दिया, क्या हो जाएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4,
सो माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, माइनस टू उधर गया तो प्लस हो जाएगा, सो माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स मिल गया, सो वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। जब आपने यहाँ पर माइनस टू पुट किया था तो आपका आंसर माइनस सिक्स आ गया, सो माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स मिल गया। ओके एक वैल्यू और पुट करके देखते हम क्या होगा। देन नाउ पुट x इज इक्वल टू, हमने मानो टू पुट कर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, सो माइनस वाई इज इक्वल टू फोर माइनस टू, माइनस वाई इज इक्वल टू आपको टू मिल गया, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा टू कॉमा माइनस टू, सो योर आंसर इज माइनस सॉरी टू कॉमा माइनस टू। अब इसके ऊपर के ग्राफ देखते हैं हम, जिस तरीके से हमने वहाँ पर ग्राफ बनाया था सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप इसको एक सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करते हो कि आपको ध्यान में रखना है, कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और एक वाई एक्सिस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमने ये फॉर्म कर लिया। ओके अब देखते हैं इसकी वैल्यू को पुट आउट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मैं सेवन तक ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक ले रहा हूँ, अगेन माइनस वन। देखिए याद रखिएगा, राइट साइड में आपको पूरे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव कौन से डायरेक्शन में होता है। लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलते हैं, दैट्स व्हाई थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी तरीके से वर्टिकल लाइंस के अंदर वाई एक्सिस जो फॉर्म होता है, आप इसको एक्स एक्सिस दे सकते हो इसको वाई, तो वाई एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यूज को फॉर्म कर लिया। अब वैल्यू को हम पुट आउट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से वैल्यू आएगी। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0.6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0.6 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट आउट करेंगे। पहले 0.6 पॉजिटिव है, दैट्स फॉर आपको ये शेडेड पोर्शन मिल गया, मैंने इसको डार्क कर दिया एंड राउंड अप कर दिया। -1.7 मिल रहा है, ये -1 और वो पॉजिटिव 7 है, दैट्स फॉर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये इस तरीके से -1 से ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको 1.5 मिल रहा है, ये 1.5 रहा यहाँ पर, तो आपको नज़र आ रहे होंगे तीन पॉइंट जो एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं, दैट्स वाई मैं इसको क्या करता हूँ, एक लाइन में होने की वजह से इस यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरीके से। तो एक बहुत ही बेहतरीन, अगर ये लाइन आपको नहीं मिलती है तो आपका कहीं तो भी गलत हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन भी यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। ओके उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर मिल रहा है, उसका भी इक्वेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। 0.-4 मिल रहा है, 0.-4, तो देखते हैं किस तरीके से वो अरेंज होगा। 0.-4 मतलब 0.-4 ये शेडेड पोर्शन हो गया। देन -2.-6 देखिए, -2.-6 आप यहाँ पर ऐसे स्केल भी रख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, मैंने इसको राउंड अप कर दिया। उसके बाद आपको जो सामने का टॉपिक मिल रहा है कोऑर्डिनेट्स 2.-2, ये 2.-2 पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सब एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं आपको। ओके दैट्स व्हाई मैं इसको एक अच्छी से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका इक्वेशन जिसका नेम दिया है x-y = 4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हमने डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है 6 वाला। अब क्यों लिया उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ।
क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन तकरीबन सेम है। आप अभी जो मेथड आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में जो जो सब क्वेश्चंस थे वाले सेम पैटर्न में थे, तो हमने वो क्वेश्चंस को आपको समझने के लिए रखा। अगर आपको डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, फिर मैं आपको एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको स्टार लगा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टेबल फॉर्म कर लेते हैं। देखिए टेबल किस तरीके से फॉर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों इक्वेशंस को अरेंज करके बना लेता हूँ। एक बार आपको अगर ग्राफ का टॉपिक समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ग्राफ ये टॉपिक आपको बहुत जगह पे मिलेगा, इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्वेल्थ में भी कुछ क्वेश्चंस है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टॉपिक होने की वजह से आपको मोस्ट ऑफ दी जगह पे मिलेगा। LP भी एक चैप्टर से आपको ट्वेल्थ में वहाँ से समझने में मिलेगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स वाई आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक टेबल फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इनके ऊपर हम एक एक इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पर लिख रहे हम 2x-3y = 4 और यहाँ लिख रहे 3y-x = 4। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x, y हमने लिख लिया। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में आपको x या y दोनों में से किसी एक वैल्यू को पुट आउट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो मैं एक एक वैल्यू को कंसिडर करके चल रहा हूँ। जैसे पुट x = -1 पुट कर दिया तो क्या होगा, 2 × -1 - 3y = 4। अगर ये वैल्यू को हम पुट आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको -2 - 3y = 4 मिलेगा। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3y = 4, -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, सो -3y = 6 मिल गया, ओके। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर y = 6/-3, सो योर आंसर इज -2। कभी भी ध्यान में रखिएगा जो डिनोमिनेटर में जो -2 है वो ऊपर आ जाता है, दैट्स वाई आपको इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इसका हम सेकंड देखते हैं, पुट हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू को पुट आउट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक इक्वेशन के लिए ले रहे हैं 2, अगर आपने 2 पुट कर दिया तो यहाँ क्या होगा, 2 × 2 - 3y = 4, तो 4 - 3y = 4 मिल गया, सो -3y = 4 - 4 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर -3y = 0, सो 0 = 0/-3 और आपको यहाँ पर मिल गया 0। आप कभी भी ध्यान में रखिएगा 0 को कोई साइन नहीं होता है, दैट्स वाई आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद हम और एक टॉपिक को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें एक वैल्यू को और लेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, एक स्केल से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा जगह लगती है उसमें, तो आपको समझने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा हम सेकंड वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर सेकंड वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर x = 5, तो क्या होगा, 2 × 5 - 3y = 4 मिलेगा, 5 × 2 = 10 हो गया, -3y = 4 हो गया। तो आप जब इस वैल्यू को निकालोगे तो -3y = 4 - 10 कितना होगा, -3y = -6, -6 - 8 cancel, सो y = 6/3 कितना होगा बताइए, 2, ठीक है। अब हमने सब वैल्यूज़ को निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से ब्रैकेट में। जब हमने x = -1 पुट किया था तब हमें y की वैल्यू मिली थी -2, सो -1, -2 हमें मिल गया। देन उसके बाद x = जब 2 पुट किया था हमने
तब वाई की वैल्यू आपको जीरो मिली थी, तो आप यहाँ पर 2.0 लिख सकते हो। देन यहाँ पर आपने एक्स इज इक्वल्स टू 5 पुट किया था, तो वाई आपको यहाँ पर 2 मिल गया। सो 5.2 समझ में आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख लेता हूँ मैं x, y, x, y। तो इसमें एक एक वैल्यू को हम यहाँ पर पुट आउट करके देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू -4 पुट करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए एक्स को ही फोकस करोगे तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। आप अगर मान के चलो वाई को भी पुट करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने एक्स को ही फोकस रखा तो आपके लिए कन्फ्यूज़न फॉर्म नहीं होगा। एक्स लीजिए या वाई लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, फिर इसमें आपको पुट करना है, तो 3y -4 = 4 मिल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y + 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सो 3y = 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। सो 3y = 0। सो y = 0/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। डिनोमिनेटर में अगर 3 आता है तो वो आप, और न्यूमरेटर में अगर 0 प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू को लिख लेते हैं। जब आपने -4 पुट किया तो आपको यहाँ पर 0 मिल गया, तो -4, 0 मिल गया, ओके। उसके बाद हम सेकंड वैल्यू को पुट आउट करके देखते हैं। सेकंड वैल्यू लेंगे यहाँ पर हम -1। तो देखिए पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1 ले रहे हैं हम। तो -1 को अगर पुट आउट करेंगे तो 3y -4 = 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। 0 लीजिए, नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फॉर्म होंगे, बस आपको पुट आउट करते आना चाहिए। सो 3y -+ हो गया, +1 हो गया, = 4 मिल गया। सो 3y = 4 - 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 - 1, 3 हो जाएगा। सो y = 3/3 = 1। जब आपने -1 पुट किया था तो आपको 1 मिल गया, तो -1, 1 आपको कितना मिल गया, कोऑर्डिनेट्स में -1, -1 मिल गया। हम एक वैल्यू और पुट आउट करके देखते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ x = 2, तो क्या हो जाएगा, 3y = देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3y = आपको, सॉरी = का साइन नहीं चाहिए वहाँ पर, 3y - 2 = 4। सो 3y = 4 - 2 का प्लस हो जाएगा 6। सो y = 6/3 = 2 मिलेगा। जब आपने यहाँ पर 2 पुट किया था तब आपको यहाँ पर कितना मिला, 2 मिला। सो आप यहाँ लिखोगे 2, 2। अब देखते हैं इसके ऊपर ग्राफ। एक्चुअली देखिए स्टार तो दिया है, लेकिन एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लोगे ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए। तो ऐसे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि हम वैल्यू जब नंबरिंग पुट करते वक्त हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। कभी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें तकलीफ हो सकती है। तो आप जब वैल्यू पुट आउट करोगे तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आपने कहीं प्लस माइनस तो नहीं किया, ठीक है, तब आपको कन्फ्यूज़न फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने ग्राफ पॉइंट निकाल लिया है, हमने यहाँ पर नंबरिंग को दे रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बट कैसा है कि कैलकुलेशन बच्चों को समझ में न आने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। बस थोड़ा सा आप वैल्यू को बराबर पुट कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये हमने 6 and 7 फॉर्म कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव होती है वैल्यू, आपको तो पता ही है, -2, -3, -4, -5 and -6। आप वैल्यू को बढ़ा सकते हो, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो देखिएगा -1, -2, -3, -4,
माइनस फाइव, माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन तक मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखते वैल्यू, आपको दिख रहा होगा माइनस वन कॉमा माइनस टू, ये माइनस वन है और माइनस टू नीचे मिल रहा, तो ये वैल्यू हो गई, शेडेड कर लिया इसको मैंने। उसके बाद टू कॉमा ज़ीरो, ये टू कॉमा ज़ीरो यहीं पर, मतलब आपको यहाँ पर शेडेड मिलेगा। देन नेक्स्ट है फाइव कॉमा टू, फाइव कॉमा टू मतलब ये वैल्यू है, फाइव एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में टू। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, ओके ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब हम देखते हैं दूसरी जिसमें माइनस फोर कॉमा ज़ीरो मिल रहा है, सो ये हो गया माइनस फोर कॉमा ज़ीरो, मतलब आपको यहीं पर रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू दिया है माइनस वन कॉमा माइनस, सॉरी माइनस वन कॉमा वन, ये माइनस वन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वन, तो मैंने इसको शेडेड कर लिया। देन नेक्स्ट वैल्यू है टू कॉमा टू, जब एक्स एक्सिस में टू था तो इसमें भी टू था, तो ये शेडेड पोर्शन बोले, तो मैं इसका एक इक्वेशन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए ये थोड़ा सा आगे चल के इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है, समझ में आ गया। तो हम इस इक्वेशन के ऊपर, सॉरी लाइन के ऊपर हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर?